ओम शांति। कितना सुंदर समय आया कि जिसे हम बुलाते थे, जिससे मिलने के लिए तरसते थे, उसने हमारे सम्मुख आकर कहा, बच्चे मैं तो तुम्हारा हूं। नाता जुड़ गया हमारा उनसे। हम भी अपने मन में इस संबंध को गहराई से जोड़ दें, भगवान मेरा है, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है वो तो मेरा है। सोच लें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, जो सभी के दुख हरने वाला है वो मेरा है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है वो मेरा है, जो स्वर्ग को रचने वाला है वो मेरा है। तो जैसे ही हम सच्चे दिल से ये स्वीकार करते हैं, बाबा मेरा है, तो बाबा भी हमें ऊपर से आवाज देता है, बच्चे मैं भी तुम्हारा हूं और मेरा सब कुछ तुम्हारा। हम बाबा को वारिस बनाते हैं, बाबा मैं तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा, तो उधर से भी यही आवाज आती है और यही सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि मेरा बाबा हो जाए, शेष सभी मेरा समाप्त हो जाए। जिसने इस तेरे मेरे को समाप्त कर लिया, उसके जीवन में सच्ची स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, वह व्यक्ति सुख शांति का अधिकारी बन जाता है। और जो मेरा बाबा भी कहे और तेरे मेरे में भी रहे, तो मेरे बाबा का सुख उसे कदापि नहीं मिलता है, तो वो मेरा है, सुप्रीम फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, उस पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। इसको बहुत गहरी फीलिंग में लाना है। इसलिए बाबा कहते थे, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध लो। प्यार भी उससे हमारा बहुत है, क्योंकि जो हमारा अपना होता है उससे हमारा बहुत प्यार होता ही है। हमें बाबा से प्यार भी बढ़ाना है तो उससे अपनापन बहुत बढ़ाना ही पड़ेगा, और अपनों पर अधिकार भी होता है। रोज सवेरे हम स्वयं को ये याद दिलाएंगे, वो मेरा है और उस पर मेरा अधिकार है। परंतु ये तब होगा जब बाबा का भी हम स्वयं पर अधिकार करा दें, अर्थात जो कुछ वो कहे बस हमें तो वही करना है, उसके लिए कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसा अधिकार। अधिकार से बाबा कह दे ये करना है तो बस करना है। तो ये बहुत सुंदर उपलब्धियां हैं संगम युग की। ये समय बीतता जा रहा है और एक दिन वो दिन भी आ जाएगा, वे क्षण भी आ जाएंगे जब बाबा हमसे विदाई लेगा और हम उसके मिलने के लिए पुनः इंतजार करेंगे। द्वापर युग से उसे पुनः याद करेंगे, बुलाएंगे, क्योंकि उसके प्यार का अनुभव, उसके सुखों की फीलिंग जो संगम युग पर हमें हो गई, वो फिर हमें याद आया करेगी। तो बुद्धिमान बनकर इस संगम युग को पूरी तरह सफल कर दें और वो बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। सब जानते हैं ऐसा स्वर्णिम अवसर दोबारा नहीं आएगा। चेक कर लें, ऐसे सुंदर समय पर हम कहाँ लगे हुए हैं, हमारी संपूर्ण एनर्जी कहाँ जा रही है, हमारी मन बुद्धि का खिंचाव किधर हो रहा है। उधर से उसको हटाकर ज्ञान के बल से
एक बाबा में एकाग्र करें। तो आइए आज सारा दिन इस सुंदर खुशी और नशे में रहें, जिसको हम भगवान कहते थे वो तो मेरा है और मेरे साथ है। सारा दिन ये याद रखेंगे, वो मेरे साथ है, सिर पर छत्र छाया है और उसकी शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। इस गुड फीलिंग के साथ आज के दिन का संपूर्ण आनंद लेंगे। ओम शांति।